हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी शानदार से वायरलेस इंटेक्शन बोर्ड बनाकर दिखाऊंगा, जो कि इसका लुक आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो इससे आप बिना चार्जर का भी फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं। बहुत सारा फीचर इस बोर्ड के अंदर है। वीडियो में इन तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए इस बोर्ड को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, इस वायरलेस इंटेक्शन बोर्ड को बनाने के लिए हम पहले बॉडी फ्रेम बनाएंगे। तो बॉडी फ्रेम बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे एक इलेक्ट्रिक बोर्ड का यहाँ पे बॉडी, जो कि मार्केट से हमने खरीद कर लाया है, जो कि आपको ये सस्ता मिल जाता है कि मेरे को मार्केट में 35 रुपये का मिल गया है। तो आपको भी यही चीज़ लेकर आना है और आपको इसमें मेहनत भी कम लगेगा। तो जो भी हम इस कंपोनेंट यूज करेंगे उसको आपको दिखाते हुए और इसमें सेट करेंगे। गाइस, बॉडी का जो पार्ट है इसके ऊपर वाले पोर्शन को ले लेना है और लेने के बाद इसको जो सॉकेट का है और जो स्विच का है इसको कटिंग करना है, जो कि इस पे ऑलरेडी ही मार्क दिया गया है। तो इसी पे से कटिंग कर लें। गाइज, हमने अच्छे से फिनिशिंग करके कटिंग कर दिया है। तो गाइज, इसके साथ हम लेंगे सॉकेट और एक इंडिकेटर और दो स्विच, जो कि इसमें हम सेट करेंगे। एक सॉकेट, एक स्विच, एक सॉकेट, एक स्विच और एक इंडिकेटर, और एक पॉइंट को हम इसे ही छोड़ देंगे। इन सब को हम बाहर निकाल लेंगे। इसमें एक एक करके हम इसमें सेट कर देंगे। गाइज, हमने अच्छे तरीके से सारे नट को कस दिया है। इसके साथ हम लेंगे एक पीवीसी पाइप का सीट, जो कि ये हमने कटिंग कर लिया है और इसको इसी के अकॉर्डिंग हमने कटिंग किया है, जो कि यहाँ पे इसको हम इसमें लगाने वाले हैं। इसमें लगाने से पहले लेना है एक स्विच लेना है, जो कि स्पेस्ट स्विच, और एक लेना है USB, जो कि ये चार्जिंग पोर्ट के लिए काम करेगा। तो इसको यहाँ पे ग्रुप कटिंग करके और इसको स्विच को और USB को दोनों को फिट कर देना है। गाइज, हमने अच्छे तरीके से यहाँ पे कटिंग करके और USB पोर्ट को और स्विच को इसमें चिपका दिया है, जो कि अच्छे तरीके से यहाँ पे ऑन ऑफ हो रहा है। इसके साथ लेंगे जो बॉडी है उसके ऊपर वाले पार्ट को और इसको नट बोल्ट से कस देंगे। गाइज, हमने अच्छे तरीके से इसमें कस दिया है और इसके साथ लेंगे एक 5 वोल्ट का चार्जर, जो कि ये अच्छा है, ये जला हुआ नहीं, को हम इसमें कनेक्शन करना है। इस USB पोर्ट को हमने नहीं निकाला है, लेकिन इसी USB पोर्ट से हम इसमें कनेक्शन करेंगे। तो जो इसका कनेक्शन होगा इसमें से हम 2 या 3 वायर इसमें निकालेंगे और जो कि इसमें जोड़ देंगे। तो चलिए हम इसको इसमें जोड़ के आपको दिखाते हैं। गाइज, हमने कनेक्शन कर दिया है USB पोर्ट में। पॉजिटिव और नेगेटिव का 2 वायर हमने जोड़ दिया है और ये जो है दूसरे USB पोर्ट के पिन में चला जाएगा। हमने कनेक्शन कर दिया है, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव USB के दोनों साइड टर्मिनल पे गया है, और जो मिड वाला है इसको भी हमने जोड़ दिया है, जो कि ये दोनों USB का 2 पॉइंट है, इसको कॉमन में आपस में करके और कनेक्ट कर दिया है 1 वायर, और ये यहाँ से हमारा AC करंट जाएगा। इसमें 2 वायर जोड़ देंगे, जो कि हम इसमें 220 वोल्ट पावर देंगे, तो ये हमें 5 वोल्ट देगा। आज इसके साथ हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन गाइज बहुत ही ईजी है,
जो कि आपको हम समझाते हुए और इसका कनेक्शन करेंगे। तो जो 5-पिन सॉकेट है इसका न्यूट्रल वायर को लेना है और इसको इसमें लगा देना है जो कि पॉइंट है। और जो गाइस जो दूसरे सॉकेट का न्यूट्रल पॉइंट है इसमें दूसरे टर्मिनल के वायर को इसमें लगा देंगे। गाइस जो न्यूट्रल वायर है इसको जो सेकेंड वाला वायर है इसको इसमें लगा देंगे। इसका जो सेकेंड वाला वायर है इसको जो इंडिकेटर है इसके नीचे वाले टर्मिनल पे लगा देंगे। और जो मेन वायर है जो कि हम इसमें एसी करंट देंगे इसके वायर को भी इसमें लगा देंगे। इसका जो ऊपर वाला टर्मिनल है स्विच का उसमें एक पॉइंट पे ऊपर वाले पे एक स्विच वायर जो कि है इसमें जोड़ देंगे। और जो सेकंड वाला टर्मिनल है इसको दूसरे स्विच के टर्मिनल में जोड़ देंगे। और जो स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे एक और वायर जोड़ेंगे जो कि ये इंडिकेटर में जाएगा। इसका जो दूसरा वाला वायर है जो कि इंडिकेटर के ऊपर वाले टर्मिनल पे चला जाएगा और वहाँ से एक मेन वायर हमने जोड़ दिया है। इसके साथ स्विच के कनेक्शन करेंगे। तो स्विच के कनेक्शन करने के लिए जो 5-पिन सॉकेट का लाइन वाला वायर है टर्मिनल उसको जो वायर है इसके टर्मिनल पे जोड़ दे। और जो दूसरा टर्मिनल है स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे जोड़ देना है। जो दूसरा वायर का टर्मिनल है उसको स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे हमने जोड़ दिया है। और जो रेड कलर का एक वायर लिया है जो कि एक यहाँ पे जो इंडिकेटर के ऊपर वाले टर्मिनल पे हमने जोड़ दिया है और ये जो होगा स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे जाएगा। और एक नीचे से वायर लेंगे हम जो कि इसमें से निकलेगा जो कि इंडिकेटर के दूसरे वाले टर्मिनल में से। गाइज उसके बाद लेंगे जो कि बोर्ड का बैक साइड का कवर है इसको ले लेंगे। इसके साथ लेंगे जो कि ये फीमेल जैक है 220 वोल्ट का एसी करंट में यूज होता है। और इसको जो राइट साइड है राइट साइड में इसको होल्ड करके हमें लगाना है। तो यहाँ पे पहले हम मार्क करके और इसको होल्ड करके चिपका लेंगे। इसके साथ लेंगे डबल साइड टेप और इस पर चिपका देंगे और बॉक्स में चिपका देंगे। गाइस डबल साइड टेप से हमने चार्जर के किट को चिपका दिया है। और जो ये दो वायर हमने मेन निकले थे एसी का करंट का जो कि ये फीमेल जैक के दोनों टर्मिनल पे हमने जोड़ दिया है। और इसको जो ऊपर का बॉक्स है इसको ओपन कर देंगे। गाइस के साथ लेंगे स्क्रू और इसके जो टर्मिनल है इसको कस देंगे। इसके साथ गाइस लेंगे इसके पावर केबल जो कि इसमें एक जैक है जो कि इस साइड में लग जाएगा जो कि ये मेरे को वायर जो कि मेरे को 30 रुपये में मार्केट में मिला है। तो इसी से हम इसको पावर देंगे। गाइस फाइनली हमारा ये इंटेक्शन बोर्ड कम बन के रेडी हो चुका है। तो इसके हम अब टेस्टिंग कर लेंगे। तो टेस्टिंग करने के लिए इसका हम वायर ले लेंगे और वायर लेने के बाद जो इसके यहाँ पे सॉकेट दिया है इसमें लगा लेंगे। और जो दूसरा पॉइंट है जो कि हमारा ये पावर में लग जाएगा। गाइज हमने पावर को ऑन कर दिया है और यहाँ पे इंडिकेटर जल रही है। तो इसका टेस्टिंग करने के लिए हमने यहाँ पे होल्डर ले लिया है और जो कि इसका वायर हम छोटा ही रखा है और आपको एक में लगा करके हम यहाँ पे टेस्टिंग करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमने लगा दिया। गाइज आप देख सकते हैं इसमें पावर आ रहा है और स्विच भी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो दूसरे में भी हम लगा करके देख लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइज इसमें भी पावर आ रहा है। और गाइज इसमें हम फोन भी आपको चार्ज करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे चार्जर को हम इसमें लगा लेते हैं और यहाँ स्विच को ऑन करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं ये चार्ज हो रहा है। और इसमें दूसरे में भी ला करके देख लेते हैं। तो इसमें हम लगा लेते हैं और इसको यहाँ से ऑन कर देते हैं। तो गाइस ये चार्ज होने लगा। उसके बाद इसमें भी हम आपको टेस्टिंग करके दिखा देते हैं।
गाइज हम यूएसबी को लगा दिए हैं और यहाँ स्विच को ऑन करेंगे। तो स्विच को हमने ऑन कर दिया है और ये अच्छे से चार्ज भी हो रहा है यूएसबी से भी। तो गाइज ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चाहे अपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं किसी अगले वीडियो किसी नए टिप के साथ। नमस्कार, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।